सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की करेंगे हम शुरुआत। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। अब यह सत्र अगले साल जब होगा तब तक नई सरकार का गठन हो चुका होगा। यह सत्र इस मायने में यादगार रहा कि मोदी ने विपक्ष को हराकर लोकसभा में विश्वास मत हासिल किया और राज्यसभा में कल ही हरिवंश को उपसभापति बनवाकर विपक्ष को दोबारा मात दी। एक सत्र में दो बार विपक्ष, वो भी दोनों सदनों में हारा। हालांकि आखिरी दिन विपक्ष ने बदला चुकाने के लिए तीन तलाक बिल को पास नहीं होने दिया और ना ही पेश होने दिया। जो पहले लिस्टेड था वो त्रिपुल तलाक बिल, वो बिल अभी नहीं ले रहे, कारण क्या है, आपस में एकमत नहीं हो पाया। यानी मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाला ये बिल अगले कुछ और दिनों के लिए लटक गया है। सरकार की कोशिशों पर पानी फेरा विपक्षी सांसदों ने। मैं इसके खिलाफ हूँ और वो इसलिए कि ये बिल कहता है कि तब तक जमानत नहीं दी जाएगी तब जब तक जो मुस्लिम वुमन है वो एग्री नहीं करती। हम तो पहले से ही ये इस बात पर बिंदु पर बरकरार है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। तीन तलाक के ऊपर हम लोगों की यही ये है कि तीन तलाक बंद होना चाहिए। इस्लाम में तीन तलाक नहीं है जी। यही है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वहाँ जो ये लाया है, क्रिमिनलाइजेशन लाया है, वो गलत है। इस बिल को लोकसभा से पहले मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जो संशोधन हुए थे उसे राज्यसभा में पास होने के बाद फिर से लोकसभा में भेजा जाता, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। विरोध के बाद कुल तीन संशोधन किए गए थे। अपराध गैर जमानती होगा, लेकिन मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी। कांग्रेस और विपक्षी दल बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं। जब पुरुष को अधिकार है ट्रिपल तलाक करने के लिए, महिलाओं को इस देश में कोई अधिकार है मुसलमान समाज में, तो हम कहते हैं कि इसमें बराबरी होनी चाहिए, उस बराबरी के लिए हमने इसको पारित किया। तीन तलाक वो विषय है जिसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। पीएम कई मौकों पर इसका जिक्र करके विपक्ष को घेर चुके हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए ये मुद्दा बड़ा हथियार रहने वाला है। यही वजह है कि विपक्ष इस हथियार को मैदान में आने नहीं दे रहा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।